नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद अब उन प्रधानों को साधने की कोशिश है जिनके वित्तीय अधिकार छीनने से वो बीजेपी सरकार से खफा चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ये प्रधान बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बताया ये भी जाता है कि प्रदेश भर में गांव-गांव में फैले इन प्रधानों में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हैं और इसीलिए इनको नाराज करना मुसीबत मोल लेने जैसा है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। 4 जनवरी को पंचायत और ग्रामीण विभाग ने आदेश जारी किया जिसके मुताबिक पंचायत चुनाव रद्द होने और आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ही ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने के आदेश थे। साथ ही जनपद पंचायत व जिला पंचायत को भी पहले की तरह ही अधिकार दिए गए थे। खास बात यह है कि चुनाव नहीं होने के कारण करीब 7 साल से ये पंचायतों का संचालन कर रहे थे। वहीं 15 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास पर सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने शिवराज से मुलाकात की थी। रायसेन जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता किरार और रायसेन जिला अध्यक्ष जयप्रकाश किरार के नेतृत्व में मुलाकात हुई। इसके पहले यह प्रतिनिधिमंडल पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिला। वहीं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकार वापस लिए जाने के कारण सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा था, जिस पर सीएम को बताया गया था कि अधिकार वापस लिए जाने के कारण कार्य अटक गए हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री प्रधानों को अधिकार वापस लौटाने की घोषणा कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो सिर्फ 12 दिन बाद ही सरकार एक बार फिर अपना फैसला पलटेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के संबंध में सुझाव पत्र सौंपा गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।